बैंक के नाम से ही विश्वास सभी के अंदर जाग जाता है। आजकल अधिकतर लोग बैंक के एटीएम से पैसा निकालने और जमा करने का काम करते हैं, लेकिन बड़वानी में एक ऐसा वाकया सामने आया है जो आपको हतप्रभ कर देगा। दरअसल इन एटीएम में जो पैसा भरा जाता है वह निजी कंपनी के कर्मचारी के हवाले रहता है। ऐसे में बड़वानी जिले के 5 एटीएम में करीब 63 लाख कम जमा करने की सूचना पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। अब मामला जांच में है। भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में मशीन मेंटेनेंस और कैश रिफिलिंग करने वाले कर्मचारी पर कार्यरत कंपनी द्वारा लाखों रुपए गायब करने का आरोप लगाया गया है। वहीं संबंधित कर्मी ने यह राशि भरा बैग भूलवश रास्ते में छूटने की सफाई दी है। मामला करीब 63 लाख रुपए का बताया जा रहा है। बड़वानी शहर कोतवाली में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कंपनी द्वारा शिकायत की जाने पर पुलिस ने जांच शुरू की है। ये लॉजिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके जो मेन लीडर है अंकित शर्मा, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि जो राज भावसार और महेश अकलचा, ये इसी कंपनी के कस्टोडियन है और इनकी जो ड्यूटी होती थी कि इनका अटैचमेंट, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का टाई अप था SBI से कि SBI का जो भी केस है वो ये दोनों जो राज भावसार और महेश अकलचा है ये उसमें ATM में रिफिल करते थे वो पैसा हर बार। तो जब कंपनी ने अभी 27 फरवरी को पूरा जांच किया तो उसमें करीब 63 लाख रुपए कम होना पाए गए। ये करीब 5 से 6 महीने की अवधि है जिसमें उसका पूरा निराकरण इन्होंने देखा। तो उस संबंध में उन्होंने शिकायत दी है, हमने शिकायत जांच में ले ली है और जांच उपरांत फिर इसमें वेदनी। इंदौर की लॉजिकेश सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की टीम लीडर अंकित वर्मा ने पुलिस को शिकायत की है कि उनकी कंपनी में राज भावसार निवासी बड़वानी और महेश अगलचा निवासी सेगांव बड़वानी काम करते हैं। इनके द्वारा बैंकों के ATM मशीन मेंटेनेंस और कैश रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। यह दोनों कंपनी में 7-8 वर्ष से काम को अंजाम दे रहे हैं। इनके कार्य क्षेत्र में 14 अलग अलग ATM में रुपयों की रिफिलिंग और मेंटेनेंस का कार्य है। कैश रिफिलिंग के समय 1-time password केवल कंपनी द्वारा इन दोनों कर्मियों को दिया गया था। आरोप जो लगा है वो मैंने इसके पहले जब मेरे साथ ये काम हुआ था January 2019 में, तो मैंने इस बारे में कंपनी के जो अधिकारी है हमारे ऑफिस इंदौर में, उनको इस बारे में मैंने सूचना दे दी थी। मैंने उनको ये बता दिया था कि सर मैं इस तरह से इंदौर गया था और वहाँ पे मेरे पास करीबन 68-68 लाख रुपये जो लोडिंग के लिए कैश था, ATM के लिए रिफिलिंग के लिए वो कैश था, वो बैग मैंने जो है एक जगह रखा था ATM के पास में। एक्चुअली हुआ ये था कि गाड़ी जो थी हमारी कार, उसका जो ड्राइवर था वो कुछ काम से चले गया था और जैसे ही मैं ATM से बाहर आया तो धूप वगैरह कितनी थी, इसलिए मैं पास वाली दुकान पर और पास में जो दुकान थी वहाँ पे इस तरह से छज्जा लगा हुआ था, ATM पे नहीं था, तो मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया और बैग मैंने वहाँ पे रख दिया। और कुछ 15-20 सेकेंड के बाद जैसे ही ड्राइवर आया तो मैं उठा और डायरेक्ट चले गया और मेरे को ध्यान नहीं रहा कि बैग वहाँ पे है। मैं जब राजपुर पहुँचा तो मेरे को याद आया कि यहाँ पे मेरे कैश है वो वहीं ATM के बाहर जब मैं खड़ा हुआ था तो वहीं पे रह गया था। कंपनी के टीम लीडर ने बताया कि उक्त कर्मियों द्वारा 27 फरवरी को ATM की कैश रिमूविंग के दौरान जब ATM चेक किया गया तो कुल 14 ATM में से 5 ATM में से 63,35,000 कम पाए गए जो इन कर्मियों द्वारा निकाले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़वानी से हर्षद सोनी की रिपोर्ट। अगर कंपनी कह रही है कि ये सारा जो पैसा है वो मैंने लिया है या फिर मेरे द्वारा गबन किया गया है, तो जब लास्ट ऑडिट किया गया था दिसंबर में, उसके बाद के ATM में जब भी उसका वॉल्ट खुला है लगा है या फिर उस ATM पे जो भी बंदा गया है उसके सारे वीडियो फुटेज चेक किया जाए, जिससे पता चल जाएगा कि जो पैसा दिया गया है वो मेरे द्वारा नहीं लिया गया है और वो पैसा जो है नहीं हुआ है या जो भी है, वो कंपनी को इस बारे में पूरा सही पता है। अगर ऐसा होता तो कंपनी जब दिसंबर के बाद में जो भी दिसंबर के बाद में कोई ऑडिट नहीं हुआ है, दिसंबर के बाद में आप सारे वीडियो फुटेज चेक कर सकते हैं जिसमें जो भी हम लोगों ने एक्टिविटी की है उस पर जाके केस डाला है तो वो उस तरह की, या फिर केस उसमें फंस गया है वो निकाला है, या फिर कोई और जैसे मशीन कोई आउट ऑफ सर्विस है तो उस तरह के कोई काम के लिए गए हैं तो वो सारा चीज़ उसमें रिकॉर्ड में दिखता है।